क्या आपकी स्किन टैन हो गई है या टाइम से पहले आपके चेहरे पर रिंकल दिखने लगे हैं या डिहाइड्रेशन की वजह से आपका चेहरा डल हो गया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन इसी में है। हेलो फ्रेंड्स, कीथ हियर, वेलकम बैक टू ELF फंडा। यू आर वॉचिंग बी ब्यूटीफुल सीरीज। सबसे पहले तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद अपना वीडियो डाला है। एक्चुअली क्या है, हमने घर शिफ्ट किया है और मैं काफ़ी बिजी भी हो गई थी, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ इसके बाद मैं रेगुलर रहूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा DIY एंटी एजिंग फेस मास्क शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें आप बड़ी आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे बचे हुए चावल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बचे हुए चावल। कई बार क्या है, घर में चावल ज़्यादा बन जाते हैं और आपको उन्हें फेंकना पड़ता है। चावल में हमारी स्किन के लिए ज़रूरी विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। और एक बात, ये जो कोरियन गर्ल्स होती हैं जो अपनी 50 की एज में भी 20 की दिखती हैं, ये लोग भी अपने फेस पर राइस फेस मास्क ही यूज़ करती हैं। राइस फेस मास्क के अलावा ये राइस की बनी ही चीज़ों के प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज़ करती हैं। इनके अलावा और भी उनके ब्यूटी सीक्रेट्स होते हैं जिनमें से एक सीक्रेट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंटी एजिंग फेस मास्क बनाने के लिए हमें बचे हुए चावल को मिक्सर में दूध के साथ ग्राइंड करना होगा। उसके बाद आपको एक ऐसा पेस्ट मिल जाएगा। इस पेस्ट में आपको हनी डालना है 3-4 चम्मच। हनी हमारी स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चर रखने में बहुत हेल्प करता है जिससे आपकी स्किन यंग बनी रहती है। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे अपने फेस पर फिंगर टिप्स की हेल्प से अप्लाई कर लें। फिर राइस हमारी स्किन के पोर्स को और छोटा बना देता है और ये हमारी स्किन में कसावट भी लाता है। साथ ही साथ ये चेहरे से झुर्रियाँ और झाइयों को भी हटाता है, इसीलिए इसे एंटी एजिंग फेस मास्क कहा जाता है। इस मास्क को अपने नेक पर अप्लाई करना ना भूलें बिकॉज सबसे पहले एजिंग का साइन हमारी नेक से ही पता लगता है। तो इस फेस मास्क से आपकी नेक में जो नेक लाइंस बनने लगती हैं टाइम के साथ, वो भी रिमूव हो जाती हैं। इसे 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट लग रही है, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप खुद ये मास्क ट्राई करके देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी स्किन में कितना फ़र्क आया। वीडियो देखा, आप घर बैठे किस तरह से अपने फेस पर इतना ग्लो ला सकते हैं और अपनी स्किन को यंग बनाए रख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ELF फंडा से। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।